हेलो नमस्कार फ्रेंड, इस वीडियो में आपको आज पीएमजी दिशा में स्टूडेंट ऐड कैसे करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले अपना पीएमजी दिशा पोर्टल लॉगिन कर लें और यहाँ पे स्टूडेंट पे जाएं और यहाँ पे छात्र जोड़ें। मैंने हिंदी में किया हुआ है, आप अंग्रेजी में कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का आधार नंबर लगाना है, फिर यहाँ पे नाम लिखना है, फिर यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, फिर यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और नीचे जोड़े पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे बायोमेट्रिक लेना है, यहाँ पे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में फ्रेंड ये बायोमेट्रिक डिवाइस वो स्कैन होके फिर इसमें होगा। तो फ्रेंड अगर आपके यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपको बता के हेल्प कर देंगे। ये यहाँ पे राइट है, ये काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट टू प्रोसीड विद द ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, ये आएगा तो ही आपके बायोमेट्रिक लग पाएगा। फिर यहाँ पर राइट करना है, फिर स्टार्ट कैप्चर पर क्लिक करना है, फिर यहाँ स्टूडेंट का फिंगर लगवाना है, फिंगर लगते ही ये ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और यहाँ पे नाम आ जाएगा। तो फ्रेंड फिर आपको यहाँ पे माता का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे पिता का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे ईमेल लिखना है, फिर यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे लैंग्वेज आप हिंदी इंग्लिश जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हो। फिर आपको अगर आप हिंदी में स्टूडेंट की डिटेल भर रहे हो तो आपको वापस से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, और अगर आप इंग्लिश में फॉर्म भर रहे हो तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ पे कैटेगरी आपको चूज़ कर लेनी है कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ओबीसी एसटी एससी जो भी है। इसके बाद में यहाँ पे छात्र का प्रकार चुनना है, जैसे हर छात्र जनरली होता है और कोई भी महिलाएं वगैरह होती है जैसे आंगनवाड़ी की, कोई आशा सहयोगी की, कोई राशन डीलर होता है तो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ज़्यादातर अपन जनरली सेलेक्ट करते हैं। अगर अपन किसी को राशन डीलर या आशा सहयोगी को प्रशिक्षण दे रहे हैं तो आपको वो सेलेक्ट करना है आंगनवाड़ी वगैरह। और यहाँ पे दिव्यांग का प्रकार दिया हुआ है तो इसमें भी अलग अलग दिया हुआ है, अगर कोई है तो इसमें से आप सेलेक्ट कर, जो जिस विलेज का जो का स्टूडेंट है उसको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे उनका धर्म सेलेक्ट करना है, हिंदू मुस्लिम जो भी है, और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है, यहाँ पे एड्रेस लिखना है, और यहाँ पे स्टूडेंट किस चीज़ में इंटरेस्ट कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे पिन कोड लिखना है, और यहाँ पे आपको स्टूडेंट के पास कौन सा फ़ोन है, स्मार्टफोन है, बेसिक फ़ोन है, जो भी है सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे फ्रेंड एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे फ़ोटो, पहले तो आधार से ऑटोमेटिक आता था लेकिन यहाँ पे फ़ोटो चूज करके डालना पड़ता है, और उनकी साइज़ फ़ोटो की 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, नहीं तो आपका फ़ोटो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद में फ्रेंड यहाँ पे जो भी ऑक्यूपेशन है, फार्मर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई, स्टूडेंट सर्विस जो भी है, तो आप उनको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार, और कोई BPL में है तो BPL पे भी आप राइट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जोड़े पे क्लिक करना है तो आपकी स्टूडेंट ID आ जाएगी, फिर पासवर्ड आ जाएगा, फिर आप स्टूडेंट का लॉगिन करके उनको प्रशिक्षण दे सकते हैं। और फ्रेंड अगर फ़ोटो, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड के बारे में, साइज़ के बारे में आपको पता नहीं है तो हमें कमेंट ज़रूर करें, हम आपकी ज़रूर मदद करेंगे और एक आपके लिए वीडियो बना देंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। धन्यवाद फ्रेंड।